बहुत ही शानदार सुबह का नज़ारा है। ये देखिए सामने बादल लगे हैं, लेकिन बादलों के ऊपर से धूप सीधा घाटी में आ रही है। तो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। सुबह सुबह धूप मिल गई तो हम भी लगा देते हैं फटाफट फोन अपना चार्ज पे। वाह, बादलों की तरफ देखिए। नमस्कार, शुभ सोमवार का दिन है तो धूप भी अच्छी बनी हुई है, कृपा बनी हुई है देवताओं की हमारे ऊपर। तो सोमवार का दिन है तो थोड़ा सा सावन आने वाला है, शिव आराधना करेंगे। एक छोटा सा मैंने मंदिर बनाया है यहाँ पर पास में ही, लेकिन उस पर अभी तक पूजा नहीं हो पाई है। मतलब हुई है एक आध बार, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाई है। तो आज सोमवार है तो आज क्यों ना मंदिर को सेटअप करें और पूजा करें। तो आज हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आज हम नीचे बाज़ार जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह ख़रीदने, और मैं आपको यहाँ पर देवता का मंगरा दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ के रक्षक देवता हैं इस इलाके के, भूमियाल देवता, उनका गदरा है। और ये देखिए पीछे घाटी में हल्के बादल, हल्का नीला आसमान और अच्छी धूप हो रही है आज। तो रास्ते पे बना हुआ हूँ मैं, ये खेतों के बीच में से शॉर्टकट है बासा जाने का। और ये कुछ कोने के बहुत ही सुंदर खेत हैं, ये वाले, जहाँ से घाटी का पूर्ण नज़ारा है। वाह, तो वो जो आखिरी में कुछ मकान दिख रहे हैं। तो खेतों से बाहर निकलते ही ये पगडंडी पे पहुंच गया मैं। ये नीचे रेलिंग वाला रास्ता है, रेलिंग के ठीक ऊपर पगडंडी वाला रास्ता है, जो के यहाँ पानी की टंकी पे जुड़ता है। तो ये लैंडमार्क है बांसा जाने का, और वो है सामने बांसा गांव। तो ये मुल्या बांसा है, मुल्या मतलब नीचे वाला, और हमें जाना है माली बासा, जो इधर घाटी में अंदर है। तो हम माल्या बासा तक जाएंगे, लैंडमार्क टंकी। बासा के रास्ते पे चलते चलते चौहान जी मिल गए जी। चौहान जी देखो हल लगा कर आ रहे हैं। हाँ। और लकड़ी का हल है, थोड़ा सा आगे बस लोहा लगा हुआ है। वरना पुराने जमाने में तो पूरा लकड़ी का हल होता था, मतलब ये घुसाने वाला जो तीखा होता है, ये भी लकड़ी का ही बनाया जाता था। है मेरे पास लकड़ी वाला भी। अच्छा, लकड़ी वाला भी है आपके पास? सही है, बहुत डिमांड है उसकी तो अभी भी। थुनेर का है वो? थुनेर का, थुनेर का होता है, थुनेर का सबसे मजबूत होता है, लेकिन है ना, थुनेर का नहीं बनता है हल। अच्छा, फिर किसका बनता है हल? वो उसका बनता है ना, वो मोरू और। अच्छा, मोरू बांझ का। हाँ जी। अच्छा, और ये देखिए पीछे वो छोटा सा बाला भी आ रहा है, शैतान का साला बाला, भाग गया आगे। ये मुरवारी सी गदरे पे, और ये सबसे पास की नदी है हमारे घर से, कभी भी नहाने का मन करे तो यहाँ आ सकते हैं। और ये दोनों बैल जो चौहान जी के साथ हल लगा कर आए, दोनों भी नए हैं, एक 1.5 साल का, एक 2.5 साल का है। एक का नाम रूपसा है और एक का नाम मोती है, हीरा और मोती। हाँ, रूपसा रा मोती घुंगरू न बजा छम, हाँ जागी जा पे जागी जोला किले जय छे छम। तो जैसे ही हम गदरे से ऊपर आए, ये देखिए रागा की कतारों के बीच में सुंदर माली बांसा, पहाड़ों की कंदराओं पे बसा हुआ 2500 मीटर पे, बहुत ही सुंदर गांव है, हरियाली से सराबोर हो रखा है अभी। और सड़क नहीं है इस गांव में अभी भी, तो भविष्य में शायद यहाँ सड़क पहुँच जाएगी। तो यहाँ वाली सड़क हमारे घर से भी सबसे पास होगी, भविष्य में जब यहाँ सड़क पहुँचेगी तो
डेफिनेटली यहाँ दुकानें भी खुलेंगी, क्योंकि तब राशन पानी और हार्डवेयर का सामान लाना आसान हो जाता है। चलो फिलहाल मैं अपने गंतव्य पे बढ़ता रहता हूँ और मुझे पहुँचना है यहाँ। बहुत ही सुंदर हेयर कटिंग करा रखी है घोड़े ने और रंग भी बहुत अच्छा है इसका गोल्डन, और यहाँ के हरे मैदानों में बहुत सुंदर लग रहा है। तो लगभग लगभग गांव के पास पहुँच गया हूँ मैं, और ये है बांसा का मैदान। आजकल तो बरसात है तो थोड़ा गीला हो रहा है, सर्दियों में क्रिकेट खेलने लायक होता है बिल्कुल। सामने गांव है, थोड़ी देर में मैं गांव पहुंच जाऊंगा। थोड़ी बहुत हरी भुज्जी और देसी मुर्गी के अंडे गांव वालों से लूंगा। तो फ़ोन में अब बैटरी कम हो रही है, इसलिए आगे का वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फ़ोन चार्ज होगा तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। छोटी बच्चियाँ, कुछ पुराने मकान, और कैश क्रॉप एप्पल्स सेब है। उर्वशी महादेव जी का मंदिर, और कहते हैं कि बहुत पुरातत्व काल में उर्वशी जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और शिव शंकर जी के इस प्राचीन मंदिर की स्थापना की थी। तो आज भी यहाँ साधु लोग रहते हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। सबसे खास बात है कि उर्वा ऋषि गदरे के बिल्कुल समीप है, तो सुंदर छटा बनती है यहाँ की। तो आज पूरा नीला आसमान है, सनी डे है। ये देखिए धूप बनी हुई है घाटी में, और वो देखिए दो दो झरने, एक झरना ये रहा और एक झरना ये रहा। तो ये फ्योला नारायण जलप्रपात है, और ये कल्पेश्वर कल्पतरु जलप्रपात है। तो दोनों भनाई बुग्याल और सोना शिखर के ग्लेशियरों से आ रहे हैं, और लड्डू भी मिल गया हमें रस्ते में। तो लड्डू भी अब हमारे साथ हो लिया है, और तो हम नीचे बाजार की तरफ जा रहा हूँ और कुछ सामान खरीद के फिर वापस आऊंगा। तो यहाँ पहुँच गए हम नीचे सजवाण जी की दुकान पे, और नीचे पहुँचते ही भूख लग गई बिल्कुल जबरदस्त। इतनी पैदल चढ़ने के बाद 2 किलोमीटर बासा, 2 किलोमीटर नीचे, करीब 5 किलोमीटर चल पड़े हैं, तो भूख लग रही है। तो हमने सीधा पराठा बोल दिया है, पराठा खाएंगे, और भंडारा खाने के लिए हम कल्पेश्वर महादेव जाएंगे आज। शायद तब तक बैटरी रहे ना रहे, लेकिन प्रोग्राम मैंने आपको आगे का बता दिया है। हमारा गर्मा गर्म पराठा पहुंच गया, साथ में है दाल, हरी भुज्जी और थोड़ी सी सलाद। आज सजवाण जी ने चटनी नहीं बनाई भंगजीरे की, पर कोई नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। हम लगे हुए रास्ते वापसी की राह पर, और अब थोड़ा सा ही रह गया, लगभग 100-150 मीटर। तो दिन के बज रहे करीब 2:30, तो और ऊपर मौसम बन गया बिल्कुल बारिश वाला जैसा। पीछे की तरफ तो नहीं है, पर इस तरफ बन गया है। तो जंगल से साखरी चढ़ाई को क्रॉस करता हूँ और ऊपर पहुँच के आज लगाएंगे हम बेडिंग। तो ये देखिए, जिन्होंने नहीं देखा, नागफनी बिल्कुल सर्प के जैसा पौधा है, इसलिए इसका नाम नागफनी है। और सामने कल्पतरु जलप्रपात। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमें अति दुर्लभ वन केला मिल गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार फल है, आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। और ये ऊपर से ही गिरा है, तो ये देखिए एक ये लगा हुआ है, और एक ये लगा है गुच्छा, और एक ये लाल पक भी रहा है। वाह, वन केला, मजा आ गया आज तो। तो ये हम पहुंच गए, और आते ही सबसे पहले मैंने चेक किया क्या दही जमी, तो वाह
वाकई में दही जम चुकी है। तो अब हम कढ़ी चावल बना सकते हैं। पहले थोड़ा रेडियो ऑन करते हैं। तो चावल लगभग लगभग बन चुके हैं और हम करेंगे कढ़ी की तैयारी। कढ़ी के लिए कुछ खास चाहिए नहीं होता है। कढ़ी के लिए हमने दही जमाई ली थी और दही में हमने मिलाया हल्दी, नमक और अन्य मसाले स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हमने मिलाया बेसन हल्का सा, और हल्का सा कोदे का आटा। कोदे का आटा इसलिए इससे कंसिस्टेंसी आ जाती है, एक बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो और हमने कढ़ी के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कढ़ी के लिए एक प्याज का तड़का लगाएंगे, प्याज के साथ कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं। आज मेरी इच्छा नहीं है टमाटर डालने की, तो मैं बिना टमाटर वाली बनाऊंगा। और हमने कुछ अदरक काट लिए, लहसुन काट लिए, दो हरी मिर्ची काट लिए। और इसके अलावा तड़के के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और डाल सकते हैं, जैसे धनिया के बीज डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगा फरण, क्योंकि मेरे पास फरण है। फरण बोलते हैं वाइल्ड अनियन को, ये जंगलों में से निकलता है और बहुत ही अच्छा इसका स्वाद होता है। तो ये लीजिए, इधर चावल भी पक चुके हैं। वैसे तो कहते हैं कि अगर अच्छी कढ़ी बनानी है तो घी का इस्तेमाल करें, लेकिन भाई इस महंगाई के दौर में सरसों का तेल भी घी के बराबर ही हो रखा है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डालने से, और तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहका, फिर प्याज, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और फिर ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके तैयार कर रखा है, और दो तीन उबालों में कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो ये लीजिए, तेल लगभग लगभग गर्म हो गया है। चेक करने के लिए हम इसमें प्याज डालते हैं, तेल गर्म नहीं हुआ, थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लहके से, फरण भी बोलते हैं, इससे एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ जाएगा। इंग्लिश नेम इसका शायद बॉइल्ड अनियन है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची,
प्याज ज्यादा जलाएंगे नहीं। और ये हमारा अब जरा इसे धीमी आंच में पकने देंगे। टेढ़े